कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तु विकर्मणि। इंकलाब जिंदाबाद एक नारा नहीं, आजादी की पुकार है और आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आजादी हमारा पैदाइशी हक है और हम उसे लेकर रहेंगे। इस धरती की मट्टी हमारी माँ है, यही मट्टी हमारा कफन है और हमने इसके लिए मर मिटने की कसम खाई है। हिंदू मुस्लिम दो कौमों का नहीं, तारीख के एक दौर का नाम है। हिंदू मुस्लिम इस देश की एक तहजीब एक सभ्यता का नाम है। हिंदू मुस्लिम इस धरती के उन दो बेटों का नाम है जिनकी खुशी और गम, जीना और मरना एक है। ये दोनों एक थे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे। हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं और दोनों अपने वतन के लिए मर मिटने को तैयार हैं।
नवाब साहब, नवाब साहब आए। कौन? आदाब चाचा जान। जी सर। और बेटे आप दिल्ली में हैं और मुझे खबर नहीं शिमले से कब तशरीफ लाए। कल रात ही आया हूँ, कोई बहुत जरूरी काम मालूम होता है। हाँ बेटे, आपने क्यों तकलीफ दी? मुझे लिख दिया होता मैं तो यहाँ था। तुम्हारे पास आया हूँ बेटे। हुक्म कीजिए चाचा जान। सब खैरियत है ना? हाँ बेटे, सब खैरियत ही है। चाचा जान, मैं आपकी औलाद के बराबर हूँ, मुझसे तो कुछ ना छुपाइए। तुमसे छुपाना होता तो आते ही क्यों तुम्हारे पास? फिर बताइए ना क्या बात है। तुम्हें अपने जख्म दिखाने आया हूँ बेटे, डॉक्टर हो शायद मरहम रख सको। मेरी जान भी हाजिर है, आप कहिए तो। हुस्न बानो की वजह से परेशान हूँ। बानो बहन कुछ बीमार है? हाँ। क्या बीमारी है? बेआबरूई। बेआबरूई? शायद पहले कभी तुमने इस बीमारी का नाम नहीं सुना, और सुना है तो वास्ता नहीं पड़ा। खुदा करे कभी वास्ता नहीं पड़े। मगर बेटा, ये मेरी बदकिस्मती है कि इसी काम के लिए मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। बानो कहाँ है? बाहर मोटर में। बानो बहन, भाईजान अंदर आ जाइए। अब्बा जान से बात हुई, सुनते ही नफरत हो गई होगी आपको मुझसे। नफरत करना मेरा पेशा नहीं बानो, मैं डॉक्टर हूँ, दूसरे आप मेरी बहन हैं, आपका दुख मेरा दुख है। ये धोखा किसने किया आपके साथ? इसे धोखा कहकर मैं अपनी मोहब्बत की तौहीन करना नहीं चाहती। मैं अपनी किसी कमजोरी पर पर्दा डालना चाहती हूँ। मैं कोई जाहिल लड़के नहीं, धोखा मेरे साथ कौन कर सकता है? फिर ये कैसे हुआ? ये कहानी यूं तो बहुत लंबी है, मैं आपको कम से कम अल्फाज में सुनाती हूँ। उनका नाम जावेद है। वो मुझे पढ़ाने आया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों में मोहब्बत हो गई और हम दोनों जज्बात की राह में बह गए। आप दोनों ने शादी क्यों नहीं कर ली? ये बात अब्बा जान को पसंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनकी पीठ पर नस्ली शराफत की मोहर नहीं थी, उनके खानदान की कोई तारीख कोई शजरा नहीं था। वो शरीफ इब्ने शरीफ और नवाब इब्ने नवाब नहीं थे, एक मामूली प्रोफेसर थे। चाचा जान के पास तो सब कुछ है, वो चाहते तो उन्हें नवाब बना सकते थे। वो चाहते तब ना, अब्बा जान ने तो उल्टा ये किया। जब जावेद मेरा पैगाम लेकर गए, उन्हें खड़े खड़े निकाल दिया। उनकी शराफत को मक्कारी का नाम दिया, जलील किया, और खुदा जाने क्या कहता हूँ।
मेरी बदनसीबी का यकीन आया तुम्हें? चाचा जान, आपने जो कुछ किया मैं समझता हूँ ठीक नहीं किया। बानो बहन की शादी आपको जावेद से कर देनी चाहिए थी। तुम ठीक कहते हो बेटा, मगर तुम भूलते हो खानदानों की तारीख और शजरे लिखने का दस्तूर मैंने याद नहीं किया। शराफत और रजालत को जांचने के वसूल मैंने नहीं बनाए। मैं तो एक मामूली इंसान हूँ, चार आदमियों में उठता बैठता हूँ और उनसे डरता हूँ। बेटी का बाप हूँ, कल जब उसके हाथ पीले करूंगा यही मेरी खुशी में शरीक होंगे, मरूंगा यही कफन दफन करेंगे, मेरी लाश उठाकर कब्रिस्तान ले जाएंगे। नेकी बदी को जांचने के जो उसूल इन्होंने बना दिए हैं उन्हें नहीं मानूंगा तो कहां जाऊंगा? चाचा जान, मैं आपकी मजबूरी भी समझता हूं, लेकिन समाज को इंसान ने बनाया है, समाज ने इंसान को नहीं बनाया। आपको इतना नहीं डरना चाहिए। हाँ, इसीलिए जब मुझे असल बात का इल्म हुआ मैंने जावेद को तलाश कराया, लेकिन वो मुलाजमत छोड़कर जा चुका था, कहाँ किसी को नहीं मालूम। बेटे, मेरी मिसाल उस कमजोर दरख्त की सी है जो तेज आंधी के सामने अकेला खड़ा है। इस तूफान में अगर कोई सहारा नजर आता है तो वो सिर्फ तुम हो। क्या फैसला सुनाते हो? चाचा जान, बानो बहन के लिए जिस तरह आप परेशान हैं उसी तरह मैं भी। मुझे सोचने के लिए सिर्फ एक रात की मोहलत दीजिए। अच्छी बात है। नवाब और ये मात गुलशन राय। आदाब चाचा जान। आओ बेटा आओ। पिताजी, मेरा नतीजा निकला है। अच्छा, क्या हुआ? पास हो गए? अव्वल आया हूँ पिताजी। शाबाश। देखा नवाब, मेरा बेटा कितना काबिल है। अव्वल आया है, अव्वल। ये तो हमारी सोबत का असर है, वरना जैसा भोंदू बाप वैसा ही भोंदू बेटा निकलता। क्यों हंस रहे थे? क्या हंस करो चाचा जान, आप दोनों ही मेरे बुजुर्ग हैं। देखा, इतनी मीठी चोट की है, मतलब ये है जैसा मैं वैसे आप, अगर मैं भोंदू तो आप भी भोंदू। क्यों? नहीं नहीं नहीं। पुरुषोत्तम जी, अब लड़के को क्या बनाने का इरादा है? मैं इसे डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। क्या ख्याल है? डॉक्टर रुपया कमाने के लालच नहीं बनाना चाहता। मेरी नजर में डॉक्टर भगवान का रूप है, वो इंसानों की जिंदगी बचाता है, उन्हें नई जिंदगी देता है। गुलशन, मेरी नजर में भी इंसानियत से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं। इंसानियत के सामने रुपया कोई हकीकत नहीं रखता। खुदा तुम्हारे इरादों में बरकत दे। बेटा, डॉक्टर बनकर अपने बाप की ख्वाहिश पूरी करो। और मेरी तरफ से मिठाई खाओ। ले लो बेटा। फिर हो जाए गुलशन। चलिए। छोटी बड़ी सुइया रे जाली का मेरा काटना। भूले नहीं अभी तक। की यही मर्जी थी बेटा,
उसके सामने कौन दम मार सकता है। हर चीज उसी की तरफ से आती है और उसी की तरफ पलट जाती है। लेकिन बेटे, तुम्हारा बाप नहीं मरा, मेरा दोस्त मर गया। जब तक मैं जिंदा हूं, गुलशन राय जिंदा है। चल जा बेटा, उन्होंने जो चाहा था वो जरूर पूरा होगा। मैं तुम्हें विलायत भेजूंगा, मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा। लेकिन बेटे, आज मेरी दुनिया सुनी हो गई। मेरा एक ही दोस्त था और आज वो भी उठ गया। चलो, कंजूस भाई से कुछ तो मिला। सब कुछ मिला पगली। राखी का मतलब है भाई अपनी जान पर खेलकर भी अपनी बहन की रक्षा करे। मेरे अच्छे भाई जान। राखी का मतलब है भाई अपनी जान पर खेलकर भी अपनी बहन की रक्षा करता है। मेरे अच्छे भाई जान। आए हैं कमरे में बंद है, कुछ मालूम है क्या वजह है? अंदाजा नहीं। खाना नहीं खाएंगे? रखवा लो। क्या बात है, आप किसी उलझन में हैं? सख्त उलझन में हूँ सावित्री, सुबह से परेशान हूँ। क्यों? आज फर्ज और इंसानियत दोनों अपना अपना हक मांग रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। और कुछ कहिए भी। बदरुद्दीन चाचा को जानती हो ना? लो, अपनों को भला कौन नहीं जानता, घर से घर मिला है। और उनकी लड़की हुस्न बानो? क्यों, क्या हुआ बानो को? बानो माँ बनने वाली है। मगर उसकी तो शादी नहीं हुई। इसीलिए तो परेशान हूँ। फिर क्या सोचा आपने? सावित्री, एक तो चाचा जान के मुझ पर एहसान बहुत है, दूसरे बानो मेरी बहन के बराबर है। मैं नहीं चाहता कि उनकी आबरू पे कोई दाग लगे। इसके अलावा मैं डॉक्टर हूँ, कोई ऐसा काम भी नहीं कर सकता जो मेरे पेशे के खिलाफ। पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। चाचा जान, आओ बेटा। कुछ सोचा तुमने? सोच लिया चाचा जान, मगर ये काम यहाँ मुमकिन नहीं। दिल्ली में लोग आपको भी जानते हैं और मुझे भी। शिमले में आपकी कोठी है, वहीं चले। बेहतर। चलना है तो आज ही निकल चलते हैं। चलिए चाचा। Thank you.
आप इतना घबरा क्यों रहे? इसलिए बेटे, आए हुए बहुत दिन हो गए, ज्यों ज्यों दिन बढ़ते जा रहे हैं मेरी परेशानी भी बढ़ती जा रही है। मैंने अर्ज किया ना, मुझ पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। बेटे, याद दिलाते हो।
लिखती हूँ। रो रो के तुम्हें खत लिखती हूँ और खुद पढ़कर रो लेती हूँ। हालात के तपते तूफान में जज्बात की कश्ती खेती हूँ। कैसे हो कहाँ हो कुछ तो कहो, कैसे हो कहाँ हो कुछ तो कहो। मैं तुमको सदाएं देती हूँ, मैं जब भी अकेली होती हूँ, मैं जब भी अकेली होती हूँ, तुम चुपके से आ जाते हो और झांक के मेरी आँखों में बीते दिन याद दिलाते हो, बीते दिन याद दिलाते हो। मरीज का नाम? सावित्री। पति का नाम? डॉक्टर अमृत राय। जात? हिंदू। आप क्या सोच रहे हैं जिसे ना? सोच रहा था बेटा, तुम्हारा बाप कहा करता था डॉक्टर भगवान का एक रूप होता है, आज मुझे इस बात का यकीन आ गया। शर्मिंदा ना कीजिए जैसा जान, मैंने तो अपना फर्ज अदा किया। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे बेटे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुख भाग भवेत्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। बेटे, यहाँ का काम तो खैर खूबी के साथ खत्म हो गया, अब दिल्ली वापस चलना चाहिए। मैं भी यही तजवीज करने वाला था चाचा। फिर कल ही निकल चले? जैसा आप कहें चाचा।
दिल भर मुझ पर खफा न हो, ओ मेरे दिल भर मुझ पर खफा न हो, कहीं तेरी भी कुछ खता न हो। जो ये दिल दीवाना, जो ये दिल दीवाना मचल गया, जो ये दिल दीवाना मचल गया, जो ये दिल दीवाना मचल गया। मेरे दिल पर मुझ पर खफा न हो, मेरे दिल पर मुझ पर खफा न हो, कहीं तेरी भी कुछ खता न हो। जो ये दिल दीवाना, जो ये दिल दीवाना मचल गया, जो ये दिल दीवाना मचल गया। जो किसी के रोके रुका न हो, किसी संगे दर पर झुका न हो, तेरे दर पर कैसे फिसल गया। जो ये दिल दीवाना मचल गया, जो ये दिल दीवाना मचल गया। मस्ती घुली घुली, ये सुनहरी रंगत धुली धुली, ये नजर में मस्ती घुली घुली, ये सुनहरी रंगत धुली धुली, ये घनेरी जुल्फे खुली खुली, ये घनेरी जुल्फे खुली खुली। जो जमाने भर का गुरूर है, जो नशा है, जो भी सरूर है, वो तेरे शबाब में ढल गया। जो ये दिल दीवाना मचल गया, जो ये दिल दीवाना मचल गया। मेरे दिल पर मुझ पर खफा न हो, कहीं तेरी भी कुछ खता न हो। जो ये दिल दीवाना, जो ये दिल दीवाना मचल गया, जो ये दिल दीवाना मचल गया। क्योंकि दुनिया रकीब है, मेरा अपना दिल ही अजीब है। क्योंकि दुनिया रकीब है, मेरा अपना दिल ही अजीब है। ना ये दुश्मन है ना हबीब है, ना ये दुश्मन है ना हबीब है। मैं कभी ना इसको समझ सका, कभी अपनों से भी हुआ खफा, कभी बेगानों से बहल गया। जो ये दिल दीवाना मचल गया, जो ये दिल दीवाना मचल गया। मेरे दिल पर मुझ पर खफा न हो, कहीं तेरी भी कुछ खता न हो। जो ये दिल दीवाना, जो ये दिल दीवाना मचल गया, जो ये दिल दीवाना मचल गया। दिल की जानिब निगाह कर, मुझे यूं ना गम से तबाह कर। मेरे दिल की जानिब निगाह कर, मुझे यूं ना गम से तबाह कर। कभी भूले से ही निभाह कर, कभी भूले से ही निभाह कर। जरा सोच के दुनिया कहेगी क्या, तेरी रुसवाई बच रहेगी क्या। जो दीवाना घर से निकल गया, जो ये दिल दीवाना मचल गया, जो ये दिल दीवाना मचल गया। मेरे दिल पर मुझ पर खफा न हो, कहीं तेरी भी कुछ खता न हो। जो ये दिल दीवाना, जो ये दिल दीवाना मचल गया, जो ये दिल दीवाना मचल गया। जो किसी के रोके रुका न हो, किसी संगे दर पर झुका न हो, तेरे दर पर कैसे फिसल।
मचल गया, तो ये दिल दीवाना मचल गया, तो ये दिल दीवाना मचल गया। मेरे अजीजों, आज आप सब लोगों को डॉक्टर अमृत राय के पहलोटी के बच्चे का नाम रखने के सिलसिले में बुलाया गया है। आप सब लोग मेरे और अमृत राय के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। लोग अमृत राय के बाप गुलशन राय की और मेरी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे। कुछ बुजुर्ग प्यार से लैला मजनू की जोड़ी कहा करते थे। खैर, आज के जमाने में ऐसी दोस्ती नहीं मिलती। ये जमाने का कसूर है या लोगों का कसूर है मैं नहीं कह सकता। शायद जमाना बदल गया है, शायद मशीन के साथ मशीन की तरह इंसान ज्यादा मसरूफ हो गया है, या शायद अब वो इंसान पैदा ही नहीं होता जिसे हर चीज के मुकाबले में प्यार, दोस्ती और मोहब्बत सबसे प्यारी चीज थी, या शायद आजकल लोगों को दोस्ती और मोहब्बत की जरूरत ही न रही हो। लेकिन मुझे है, और इसी दोस्ती और मोहब्बत के नाते गुलशन राय मरहूम की तरफ से अमृत राय के बेटे की यह रस्म आज मैं अदा कर रहा हूं। दुनिया के सामने दोस्ती की मिसाल कायम करने का इरादा नहीं रखता, ना हिंदू मुस्लिम भाईचारे का दिखावा ही कर रहा हूं। जिंदगी का हिसाब किताब जिंदगी में ही हो जाए तो अच्छा। आज तो मैं सिर्फ अपने दिली जज्बा, प्यार और फर्ज को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। मुकद्दस किताब में बच्चे का नाम दाल से निकला है, मैं उसका नाम दलीप तजवीज करता हूं। खुदा उसकी उम्र दराज करे। अमृत राय बेटे, बच्चे को मेरे पास ले आओ। साहबान, मैं आप लोगों के सामने ये ऐलान करना चाहता हूँ कि मेरी जायदाद के दो हिस्से किए जाएंगे। एक हिस्से की हकदार होगी मेरी इकलौती बेटी हुस्न बानो, और दूसरे का हकदार होगा अमृत राय का बेटा दिलीप। चाचा जान, मुझे आपसे मशवरा नहीं करना है। बानो के पास ले जाओ। बेटी बानो, खड़ी हो जाओ और इस नेक काम में अपने बूढ़े बाप की मदद करो। पानी का पहला कतरा अपने हाथ से इस नन्हे फरिश्ते के मुंह में डालो। जान से भी ज्यादा प्यारा समझूंगी, मुझ पर भरोसा रखो। बानो,
बानो बेटा, बूढ़ों से अगर कोई खता हो जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। बेटा, हम दुनिया को अपनी निगाहों से देखते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, अपनी अक्ल के मुताबिक फैसले करते हैं। ये और बात है कि मेरी अक्ल ने मुझे धोखा दिया, मगर बेटा मैंने जो कुछ किया तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की नीयत से नहीं किया था। अब्बा जान, मैंने तो कभी कोई शिकायत नहीं की। मैं चाहता हूं तुम करो, अंदर ही अंदर जलती हो, मुंह से कुछ कहोगे तो दिल की भड़ास निकलेगी। बेटा, मेरी तमाम खुशियों का दारोमदार तुम पर है। मैं जिंदा हूं तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं कब इनकार करती हूं अब्बा जान? अमृत राय को भी मैंने इसीलिए राजदार बनाया था, तुम्हारी बदनामी ना हो, तुम पर कोई हर्फ ना आए। जो कुछ हुआ तुम्हें पसंद नहीं था तो मुझसे कह देती, मैं वही करता जो तुम्हें पसंद था। तुम्हारे लिए मैं जलील और बदनाम होने को भी तैयार हूं। बेटा, अपने मरने और जीने का तसव्वुर मैं तुम्हारे बगैर नहीं कर सकता। मुझे आपसे कोई गिला नहीं अब्बा जान। आबो हवा की तब्दीली अच्छी चीज है, कहो तो कुछ रोज के लिए बाहर चले। जैसी आपकी मर्जी। मुद्दत से मैं औलिया इकराम और खाजगाने बंदा नवाज की जियारत का इरादा कर रहा हूँ, शायद दिल को सुकून मिले। मस्जिद है वो बुतखाना, ये मस्जिद है वो बुतखाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो, चाहे ये मानो चाहे वो मानो, मानो ये मानो चाहे वो मानो। ये मस्जिद है वो बुतखाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो, भाई मकसद तो है दिल को समझाना, मकसद तो है दिल को समझाना,
चाहे ये मानो चाहे वो मानो चाहे ये मानो चाहे वो मानो। ये मस्जिद है वो बुतखाना, ये मस्जिद है वो बुतखाना, मकसद तो है दिल को समझाना, मकसद तो है दिल को समझाना। ये मस्जिद है वो बुतखाना, मकसद तो है दिल को समझाना समझाना समझाना। चाहे ये मानो चाहे वो मानो चाहे ये मानो चाहे वो मानो। रहमन के झगड़े के झगड़े 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 अजी हाँ। ये शेखो बरहमन, ये शेखो बरहमन के झगड़े सब ना समझी की बातें हैं, ये शेखो बरहमन के झगड़े सब ना समझी की बातें हैं, सब ना समझी की बातें हैं। हमने तो है बस इतना जाना भाई, हमने तो है बस इतना जाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो चाहे ये मानो चाहे वो मानो। गर जज्बे मोहब्बत सादिक हो, जज्बे मोहब्बत सादिक हो, हर दर से मुरादें मिलती हैं, हर जज्बे मोहब्बत सादिक हो, हर दर से मुरादें मिलती हैं, मंजिल से मुरादें मिलती हैं, मंजिल से मुरादें मिलती हैं, मंदिर से मुरादें मिलती हैं, मस्जिद से मुरादें मिलती हैं, काबे से मुरादें मिलती हैं, काशी से मुरादें मिलती हैं, हर दर से मोहब्बत सादिक हो, हर दर से मुरादें मिलती हैं, हर दर से मुरादें मिलती हैं। हर घर है उसी का काशाना भाई, हर घर है उसी का काशाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो चाहे ये मानो चाहे वो मानो। हर घर है उसी का काशाना, ये मस्जिद है वो बुतखाना, मकसद तो है दिल को समझाना, हमने तो है बस इतना जाना, ये मस्जिद है वो बुतखाना, मकसद तो है दिल को समझाना, ये मस्जिद है वो बुतखाना, मकसद तो है दिल को समझाना समझाना। नहीं जावेद, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। नवाब साहब, जब से तुम गए हो मेरे घर से खुशी उठ गई है, मैं खुशी वापस लाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी शादी बानो के साथ कर दूंगा। नवाब साहब, मुझे माफ कर दो बेटा। चाहत का नसीबा चमका, आज निकला है पहनकर तेरा दिल भर तेरा, एक से एक के तेवर नहीं दबने पाते, एक से एक के तेवर नहीं दबने पाते, यानी जालिम है जो दूल्हा तो सितमगर। ये
गधादार जवान और ये मुअत्तर तेरा वाह, ये गधादार जवान और ये मुअत्तर तेरा वाह, क्या सजता है जावेद के सर पर। शेर से निस्बत प्यारे, बस तेरे प्यार ने नहीं आया हूँ लिख कर तेरा। शिकायत के लिए आज हर लम्हा हर एक पल है, मोहब्बत के लिए रेशमी सेज है महकी हुई तन्हाई है, आज की रात मुरादों की बारात आई है, आज की रात। हर गुनाह आज मुकद्दस है फरिश्तों की तरह, कांपते हाथों को मिल जाने दो रिश्तों की तरह, आज मिलने में न उलझन है न रुसवाई है, आज की रात मुरादों की बारात आई है, आज की रात। अपनी जुल्फें मेरे शाने पे बिखर जाने दो, इस हसी रात को कुछ और निखर जाने दो, सुबह ने आज न आने की कसम खाई है, आज की रात मुरादों की बारात आई है, आज की रात। जावेद मियां, उठो भाई, सुबह हो गई। आदाब, जीते रहो मियाँ। वो तुम्हारी भाभी सर है, दूल्हा दुल्हन को खाने पे बुलाओ, आज शाम तुम दोनों खाना हमारे साथ खा रहे हो। आ जाएंगे भाईजान, मैं जरा बानो से पूछ लूं। अच्छा, इतनी जल्दी बीवी के धोस में आ गए मियाँ? गुर्गा कुश्तन रोजे अव्वल, अभी से रोब जमाओगे तो बात बनेगी। मियाँ तुम्हारी बीवी एक तो खूबसूरत है, दूसरे नवाब की बेटी है, अभी से काबू में ना आई तो आगे बहुत परेशान करेगी। खाएगा। जीती रहो, तुम्हारे मियाँ को भड़का रहा हूँ।
वाह वाह वाह, मजा आ गया। अरे हाथ क्यों रोक लिया मियां? और ना, बस भाईजान बहुत हो गया। अरे तुम्हारे बदौलत आज हमें भी ढंग का खाना मिल गया, खाओ मियां। जी नहीं, और खाऊंगा तो बेहोश हो जाऊंगा। लखनऊ में रहने वाले हो क्या? दिल्ली वाले इतने तकल्लुफ नहीं किया करते, खाओ। अगर लखनऊ और दिल्ली की बात है तो लाइए। लो बानो, खुश तो हो? बीबी जी, एक थाली वापस ले जाओ। तुम नहीं खाओगी? खाऊंगी तुम्हारे साथ। एक ही थाली में? क्यों, क्या हर्ज है? तुम हिंदू, मैं मुसलमान, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा खून ही जब अपना कह दिया तो धर्म क्या खराब होगा? और अगर होगा भी तो हो जाने दो, धर्म के आदमी से बड़ा है। लो खाओ। बानो, तो जब देखिए आप भी लोगों का कलेमा पढ़ती रहती है। दलीप से तो इतनी मोहब्बत करती है जैसे आपका नहीं दलीप उसी का है। घर में अकेली रह जाती है ना, तुम तो पढ़ाने कॉलेज चले जाते हो, कोई बच्चा हो तो जी बहल जाए। ये बात नहीं भाईजान, दलीप है ही बहुत प्यारा, खुद मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। सच कहता हूँ, एक दिन उठा के घर ले जाऊंगा। अच्छा हुआ तुम्हारी नीयत मालूम हो गई, अभी जाके थाने में रपट दिखाता हूँ। लो। You
दलीप की तरफ है। और कोई क्यों देगा, अपनी औलाद सबको प्यारी होती है। जो खुद ही हमारे घर आ जाए। कहां से? खुदा के घर से। बानो बानो, ये रिश्ता आज और भी मजबूत हो गया। अरे दीदी, यूं तो बच्चे को उठाते हैं। मैं भी बच्चे को उठा रहा हूं। नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं। तेरी जुल्फें जिसके बाजू पर परेशान हो गईं। आपको फूल बहुत अच्छे लगते हैं। माहौल खूबसूरत हो तो बच्चा हसीन होता है। अनीस, इकबाल, अख्तर, ये नाम कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे। क्यों? कुरान शरीफ में निकला है बच्चे का नाम अलिफ से होगा। आपने नाम भी रख लिए, बहुत खूब। मगर जनाब सुन लीजिए, मुझे लड़की चाहिए, फूलों की तरह नाजुक और खूबसूरत, बिल्कुल आपकी तरह। जो मैं कहूँ मुझे आप ऐसा चाहिए। इसका फैसला इस बाजी की हार जीत पे रहा। मंजूर। मगर बात पहले पूरी सुन लीजिए। क्या? अगर आप हार गए तो? तो क्या? जरा कान में सुनिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप हमेशा शरारत की बातें करते हैं। और सुनिए तो, सुनो बेगम, बेगम जान का खतरा तो नहीं, मगर मगर क्या भाई जान? मुझे अफसोस है, मैं बच्चे को नहीं बचा सका। ये मुन्नू, ये चुन्नू, एक बाबूजी के लिए, एक बीवी जी के लिए। आप खुश हैं ना? बहुत। फिर ऐसे चुप क्यों हो? मैं बानों के बारे में सोच रहा था। हाँ, किसी के यहाँ दो दो और किसी के यहाँ एक भी नहीं। भगवान का भी क्या इंसाफ है? यही भगवान का इंसाफ है सावित्री। इंसान का गुनाह दुनिया को मालूम हो ना हो, उसकी सजा उसे जरूर मिलती है। बानो मेरी बहन सही, मगर उसने गुनाह किया था। चलिए अपने सही, और बच्चा हो जाएगा। और बच्चा नहीं होगा। क्या बानो के यहाँ और बच्चा नहीं होगा? नहीं, मैं इसी को भगवान का इंसाफ और गुनाह की सजा कहता हूँ। बानो के अब कभी बच्चा नहीं होगा। तो क्या आपने ये बात जावेद और बानो को नहीं बताया? नहीं, दोनों में से एक को भी नहीं बताई, बता ही नहीं सका। बानो को बच्चे की इतनी तमन्ना है कि बताने की हिम्मत ही नहीं है। बेगम, खुदा की यही मर्जी थी ऐसा हो, मगर आज भाईजान और सावित्री भाभी की इज्जत मेरे दिल में दुगनी बल्कि हजार गुनी हो गई। कौन
कौन किसी के गुनाह को अपने दामन में यूं छुपाता? उन्होंने दलीप को लेकर तुम्हारी और मेरी शर्म रख ली। भाईजान दुनिया के बहुत बड़े इंसान हैं। अब तो खुदा रखे भाईजान की अपनी औलाद हो गई। सोचती हूँ दलीप को वापस मांग लूं। नहीं, नहीं बेगम, दलीप पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। बहुत कोशिश करती हूँ, नहीं निकलता। उस वक्त से और भी परेशान हूँ, जब से जुड़वा बच्चे हुए हैं। अपना अपना होता है, पराया पराया। खुदा मालूम सावित्री भाभी दिलीप के साथ क्या सुलूक करे। बेगम, तुम्हारा ऐसा सोचना भी शर्म की बात है। जानती हूँ, मगर जी नहीं मानता। ये तुम नहीं बोल रही बेगम, तुम्हारे अंदर जो माँ छुपी बैठी है वो बोल रही, तुम्हारी महरूमी और बच्चे की ख्वाहिश बोल रही। नमस्ते, नमस्ते। अरे ये तो दलीप मियां आ गए। मैं मियां नहीं हूँ। फिर कौन है आप बेटे? मैं भाई जान हूँ। वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, भाई जान बन गए। जनाब किसके भाई जान बने? चुन्नू मुन्नू के। भाई वाह, हमें तो मालूम ही नहीं था। आपको किसने बताया बेटा? माँ ने। तो बेटा हमारे भी भाईजान बन जाइए। हम आपके भाईजान नहीं बन सकते। क्यों बेटा? आप तो इतने बड़े हैं। ओह लो बेटा, हम छोटे हो जाते हैं। ऐसे नहीं होते हैं छोटे। तो कैसे? ऐसे। आप क्यों रोते हैं? आप ही पूछ लीजिए। मैं रोती नहीं बेटे, मैं रोती नहीं। नहीं नहीं, आप रोती हैं। जब मैं रोता हूँ तो माँ मुझे प्यार करती है। मैं आपको प्यार करूँ? अपने घर जाऊँ? आओ बेटे, आओ मेरे। नमस्ते। नमस्ते। दिलीप को बहुत घूम कर आना पड़ता है। इन दोनों मकानों को मिला दिया जाए तो फासला कम हो जाएगा। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल ठीक है। दलीप ने दो खानदानों को मिला दिया है। जब दिलों में फासला नहीं रहा तो वैसे क्यों रहे? इन दोनों मकानों को जरूर मिला देना चाहिए। नानी क्या कर रहे हैं? आपके लिए रास्ता बना रहे हैं। नीचे का रास्ता लंबा था ना, हमने आपके लिए छोटा रास्ता बनवा दिया। हम इस पर से नहीं आएंगे। क्यों? हम गिर जाएंगे। आप नहीं गिरेंगे बेटे, हम आपके लिए रोक बनवा देंगे। आप हमारे लिए क्यों बनवा रहे? आप हमारे बेटे हैं ना, प्यारे प्यारे बेटे। हम आपके बेटे नहीं, माँ के बेटे। माँ हम आपका बेटे ना, मौसी के नहीं ना? नहीं बेटे, तुम हमारे नहीं, अपनी मौसी के बेटे हो। नहीं हम आपके बेटे, हम आपके बेटे। नहीं, तुम्हारे बेटे तो चुन्नू मुन्नू है। जाओ अपनी मौसी के पास जाओ। नहीं हम आपके पास रहेंगे। अच्छा तो हमारे पास रहना बस। इंकलाब और आजादी के नाम पर मुल्क में जो फसाद फैला हुआ है, जगह जगह गुंडे अपना सर उठा रहे हैं और लोगों के अमनो अमान को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इसकी मजम्मत करता हूं और आप सब लोगों की तरफ से इस पर अफसोस का इजहार करता हूं। मैं अलल ऐलान कहता हूं
ये सब लोग एहसान फरामोश हैं, अंग्रेज राज की बरकतों को भूल रहे हैं। अभी कल की बात है, हम लोग जाहिल थे, दुनिया की दूसरी कौमों से बहुत पीछे थे, मगर आज उनसे आंख मिलाकर बात कर सकते हैं। ये सब अंग्रेज की बदौलत है। मैं हजूर पुरनूर, हजूर कमिश्नर साहेब बहादुर दाम इकबाल हु से आप सब लोगों की तरफ से वायदा करता हूं कि हम इस फितने फसाद को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे और हुकूमत को पुरजोर अल्फाज में यकीन दिलाता हूं कि हम हमेशा अंग्रेज के वफादार थे, अंग्रेज के वफादार हैं और अंग्रेज के ही वफादार रहेंगे। और साथ ही हुकूमत की तरफ से आप सब लोगों को यकीन दिलाता हूं कि वो हमारी दोस्त है और हमेशा हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए रखेगी। मैं इन अल्फाज के साथ अपनी तकरीर खत्म करता हूं और खान बहादुर नवाब बदरुद्दीन साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब सद और हाजरीन, आज के जलसे में शरीक होने का पैगाम मुझे इन अल्फाज के साथ मिला था कि चंद हमदर्दाने मुल्क इकट्ठे होकर आज के सियासी हालात पर बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ आकर जो नक्शा देख रहा हूँ वो कुछ और ही है। मैं कोई सियासतदान नहीं, इसलिए सियासी चालों को नहीं समझता। सीधे साधे अल्फाज में इतना कहना चाहता हूं कि अगर अंग्रेज कौम और हुकूमत हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती है तो हम भी उनसे दोस्ती रखना चाहते हैं, लेकिन इस दोस्ती का ये मतलब नहीं कि हम अपनी आजादी इस दोस्ती पर कुर्बान कर दें या इनकलाब की आवाज को दबा दें। अपनी तकलीफ खत्म कर दीजिए, साहब को कहीं जाना है। बेटर हजरात, मैं कमिश्नर बहादुर को मुद्दत से जानता हूं, वो जहीन है, काबिल है, अक्लमंद है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जो इंसान अपनी माँ का बेटा होने से इनकार करता है वो और किसी का नहीं हो सकता, जो अपने मुल्क से गद्दारी करता है वो और किसी का दोस्त नहीं बन सकता। आज की सियासी तहरीक इनकलाब नहीं बगावत है, ये अल्फाज तो हमने उस दिन भी सुने थे जब 1857 की जंग आजादी लड़ी गई थी, जिस लड़ाई को आप जैसे लोगों ने गदर का नाम दिया था। गुलाम कौम की हर ऐसी कोशिश गद्दारी और बगावत ही कहलाई जाती है, और आज भी जिसे आप दंगा और फसाद कह रहे हैं दरअसल वो दंगा फसाद नहीं बल्कि तहरीक आजादी है। नवाब साहब, नवाब साहब, आप लोगों को भड़काने वाली बातें मत कीजिए। देखिए लोग आपकी बातों को नापसंद कर रहे हैं। मेरी बात ये भी नापसंद करेंगे और आप भी, क्योंकि मेरा ताल्लुक मीर कासिम सिराजुद्दौला हैदर अली और टीपू की नस्ल से है और आपका उन गद्दारों की नस्ल से है जिन्होंने इन बहादुरों की पीठ में खंजर भोंका था। मेरा ताल्लुक उन सरफरोशों की नस्ल से है जिनकी जख्मों से चूर लाशें मैदान जंग में पड़ी दिखाई देती हैं, और आपका उन चोरों से जो इन लाशों के कफन बेचकर खाते हैं। तुम गद्दार हो, मारे आस्तीन हो, तुम अंग्रेज कौम के लिए भी खतरनाक हो और अपने मुल्क के लिए भी। चाचा जान कहते हैं बच्चा और बूढ़ा बराबर होते हैं, ये पुल आप और दिलीप दोनों के लिए बनवाए। तुम ठीक कहते हो बेटे, खुदा रखे दिलीप के सामने तो भी बहुत जिंदगी पड़ी है,
मेरा वाकई आखिरी वक्त है। नहीं नहीं चाचा जान, ऐसी बात क्यों कहते हैं। लेकिन बेटा मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी जिंदगी में ही ये दोनों घर एक हो गए। नान कोऑपरेशन की तहरीक फिर जोरों से शुरू हो गई। हाँ मियाँ वो तो गई। सुना है आप भी खान बहादुरी का खिताब वापस कर रहे हैं? कर दिया बेटा, कब तक ये वफादारी का पट्टा गले में डाले फिरता। शर्माने लगी थी अपने आप से। पिछली जंग में बहुत सा रुपया सरकार को खिला दिया था तो उसने खान बहादुर बना दिया। सुना है शहर में बड़े जोरों की हड़ताल होने वाली है। जी चाचा जान, गांधी जी और दूसरे लीडर तो गिरफ्तार भी कर लिए गए। भाई गांधी जी की मैं बड़ी कद्र करता हूँ, मगर उनकी ये अदम तशद्दुद की पॉलिसी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। भला खुशामद करने से कहीं आजादी मिलती है? दुश्मन से मुकाबला आ पड़ा तो डट के लड़ना चाहिए, या इस तरफ या उस तरफ। अपनी अपनी राय है चाचा जान, मैं गांधी जी की पॉलिसी बिल्कुल ठीक समझता हूँ। अरे मियाँ तुमने तो लुटिया ही डुबो दी। कहाँ तुम्हारा बाप इतना बहादुर आदमी मेरे साथ जमीन पर खड़े होकर शेर का शिकार खेलता था, और कहाँ तुम इतनी बूढ़ेपन की बातें कर रहे हो। चाचा जान कभी कभी औलाद नालायक में तो निकल जाती है। किधर जा रहे हो दिलीप बेटा? अमलेट खिलाने जा रहा। अरे वाह देखा अमृत, ये है मेरा बेटा। इधर आओ मेरे शेर, ये निकालेगा अंग्रेज को। कहो बेटा इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। वाह क्या हो रहा भाई? विदेशी माल जला रहे हैं नवाब साहब। अरे भाई सिर्फ नारे लगाने और विदेशी माल जलाने से भला फिरंगी हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे? जब तक हम वो विदेशी झंडा जलाने की हिम्मत नहीं कर सकते तब तक नारे लगाना और आजादी के ख्वाब देखना बेकार है। भाई अपना अपना ख्याल है, वैसे हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चाहते हो तो ये मफलर विदेशी है। नवाब साहब जिंदाबाद। नवाब साहब जिंदाबाद। क्या बात हुई? हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। अपना नॉनसेंस एंड दिस पर्सन बंद। कमिश्नर साहब का हुक्म है कि यह मुजाहरा फौरन बंद कर दिया जाए। अदरवाइज आई बी कंपेल्ड टू यूज फोर्स, वरना साहब गोली चलाने पर मजबूर हो जाएंगे। अंग्रेज के वफादार नौकर अपने साहब से कह दो कि अब गोलियों से डराने का जमाना खत्म हो गया, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। हे भागते कहाँ हो? मुश्किलो भागो मत, भागते क्या हो? आजादी पीठ दिखाकर भागने वाले को नहीं, सीने पर गोली खाने वाले को मिलती है, सर से कफन बांध कर जाने वाले को मिलती है। इस तरह आजादी लोगे। आओ मेरे साथ आगे बढ़ो। हमारी गुलामी का निशान विदेशी माल नहीं विदेशी झंडा है। गुलामी का ये निशान मिटा दो, इसे नोट कर फेंक दो। यूनियन जैक मुर्दाबाद। तिरंगा झंडा मुर्दाबाद। इंकलाब। I warn you for the last time, if you do not disperse, I will order mass firing. अगर तुम लोग किसी वक्त फौरन न हटे तो तुम सब पर गोली चला दी जाएगी। गोली मार दी जाएगी, गोलियों की परवाह मत करो भाइयों। शहीदों पर यही फूल बरसा करते हैं। जहाँ तुम्हारा खून गिरेगा वो जमीन गुलजार हो जाएगी। इनकलाब। आगे। Thank you.
नवाब साहब को मरे आज 15 बरस बीत गए। उनकी मौत के बाद जावेद और बानू हिंदुस्तान से बाहर चले गए। उनके पीछे हिंदुस्तान की सियासी जिंदगी में नई नई तब्दीलियां पैदा होने लगी। हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे बुलंद होते देखकर फिरंगी हुक्मरान परेशान होने लगे और इस भाईचारे को खत्म कर देने के लिए उन्होंने नए नए रास्ते तलाश करने शुरू कर दिए। अपने हाथों से हुकूमत जाते देखकर उन्होंने नलाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी को और तेज कर दिया और नतीजा यह हुआ कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे से दूर होने लगे, कई 100 बरस पुराने नाते टूटने लगे, खिलाफत की तहरीक फिरकावाराना तासुब की नजर होकर रह गई और हिंदू मुस्लिम एकता की आवाज अल्लाह अकबर और जय बजरंग बली के शोर में दब कर रह गई। मगर जावेद और बानो इन तमाम तब्दीलियों से बेखबर रहे और आज 15 साल बाद जब वो अपने वतन को पलटे, उनके सामने पुराना हिंदुस्तान नहीं था, एक नया हिंदुस्तान था। बानो यहाँ आना जरा। देखती हो जमाना देखते देखते बदल जाता है। हिसाब लगाओ तो इस बात को 15 साल बीत गए। वैसे कल की बात मालूम होती है। किबला नवाब साहब, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदुस्तान हमारा है कहते कहते गोली खाकर वहां गिरे थे जहां से अभी ये जुलूस गुजर रहा था। वो जगह जो कल उनके खून से गुलजार हो गई थी, आज उसका बंटवारा किया जा रहा है। वो जमीन आसमान जहां कल मोहब्बत के नारे गूंजते थे, आज वहां नफरत के शोले भड़क रहे हैं। इंसान कितनी जल्दी बदल जाता है, कितनी जल्दी हर बात भूल जाता है। बेगम, तुम क्या सोचने लगी? दलीप? मेरा दलीप जवान हो गया होगा। सुना है माशाल्लाह वकालत पढ़ता है। मैं उसे देख कर आती हूं। जुड़वा हुए थे। वो लड़की उनके ऊपर की है, रेखा। तुम्हारे जाने की बात हुई थी, दिलीप को बुलाती हूँ। दिलीप, दिलीप बेटे, मुझे बुलाया? हाँ बेटे,
इन्हें पहचाना तुमने? जी नहीं। इसे क्या याद होगा, जब मैं यहाँ से गई थी तब तो ये इतना आता था। हाँ बेटे, जब तुम छोटे थे तो इनके घर बहुत जाया करते थे और ये भी तुम्हें बहुत प्यार करती थी। नमस्ते करो। नमस्ते। मेरे पास आओ दिलीप, आओ आओ बेटे, इनके पैर छुओ। ये तुम्हारे मौसी है, हुस्न बानो। पैर छुओ, छुओ बेटे। जीते रहो बेटे, जीते रहो। देखा तुमने कैसा कट्टर हिंदू निकला है, कहता है मुसलमानों को यहाँ नहीं रहना चाहिए, जहाँ से आए वहीं चले जाए। इसकी यही मर्जी है तो हम चले जाएंगे। भाई राम जाने तुमने घुट्टे में क्या पिला दिया था, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई नहीं। वो जैसा भी है जीता रहे और खुश रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तुम लोगों को देखकर कोई कह सकता है कि तुम हिंदू की औलाद हो? सब अंग्रेज बन गए, सुबह हुई और तब तक शुरू। ना राम का नाम, ना भगवान के दर्शन, यही वजह है विलायती हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। भाईजान, आपने सब गड़बड़ कर दी। हे महामहो उपाध्याय श्री 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 दिलीप कुमार जी, ये तुच्छ हाथ जोड़ के आपकी सेवा में निवेदन करता है कि जिस घर में आप जैसा ज्ञानी विद्वानी महापुरुष मौजूद है, भला औरों की क्या आवश्यकता हो सकती है। भाईजान मसल मशहूर है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तुम लोग बदतमीज हो गया, बड़ों से बात करनी नहीं आती, अपनी सभ्यता संस्कृति कल्चर सब भूल गया। सोचो तुम कल क्या थे। भाईजान हम कल भी गुलाम थे, अंग्रेजों से पहले मुगलों की हुकूमत थी, और अंग्रेज जाएंगे तो आप हमारी जान पे सवार हो जाएंगे। सुशील तुम तो अच्छे लड़के हो, तुम क्यों सुदेश के साथ खराब होते हो? ये तो नास्तिक हो गया। तुम भाई आज तीनों में क्या बहस हो रही है? कुछ नहीं पिताजी। पिताजी भाईजान भारतवर्ष की संस्कृति पर रोशनी डाल रहे हैं। अच्छा। अरे हाथ क्यों रोक लिया बहन, खाओ ना। दिलीप को कहा जाने दो, उसका इंतजार करोगी तो भूखी रह जाओगी। क्यों? हमारे साहबजादे आजकल लीडर बन गए हैं, कहीं लेक्चर वेक्चर देने गए होंगे। भाईजान तो शाम से ही खाकर चलेगा। हाँ। जैसे यहाँ होता भी तो साथ बैठकर खाता, फिर वहाँ जमीन पर बैठकर खाता है, वो रही उसकी चटाई। भाईजान कहते हैं जब तक देश स्वतंत्र नहीं हो जाता मैं पृथ्वी पर बैठकर भोजन करूंगा। साहबजादे काफी दिलचस्प हो गए। इस उम्र में सब ऐसे ही होते हैं, आप लोग अपना बचपना भूल गए क्या? हाँ भाईजान ये बात भी तो है, कहावत है कि 15 और 25 के दरमियान हर आदमी शायर या लीडर होता है, जहाँ घर गृहस्थी में पड़ा कि सब शौक रफू चक्कर हुए। इस साल वकालत पास कर ले तो उसकी शादी भी कर देते हैं। मगर शादी क्या जबरदस्ती कर देंगे? आपको तो मालूम है जो रिश्ता आता है वो इनकार कर देता है। बानू यही तो मुश्किल है, इनके एक बैरिस्टर दोस्त हैं, उनकी एक ही लड़की है, उसका रिश्ता आया था मगर दिलीप ने इनकार कर दिया। वजह? लड़की गलती से 2 साल विलायत रह चुकी है। विलायत में रह चुकी है तो लड़की जरूर समझदार होगी, दुनिया में घूमने फिरने से इंसान के ख्यालात वसी होते हैं। मगर हमारे साहबजादे का वसी ख्यालात में दम घुटता है। ऐ खुदा ना करे। बानो तुम समझे नहीं, दिलीप को पश्चिमी सभ्यता में पली हुई लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। भाईजान आप कुछ नहीं कहते? जावेद पिताजी कहा करते थे बेटे के पाँव में बाप का जूता पूरा आने लगे तो उसे उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। बराबर का हो गया, मैं उसे क्या कहूँ? आप लोगों ने तो बात का बतंगड़ बना दिया। बहन वो लड़की हमें भी तो दिखाओ, चलो कल भी चलो। सूद न कबाज कोहली से लठम लठा, पहले लड़के को तो रजामंद कर लो। वो हम बाद में कर लेंगे, पहले लड़की तो देख लें। नमस्ते। जीती रहो। अंदर आ बेटी, मेरे पास बैठो। विलायत जाकर अपनी मासी को भूल गई क्या? अरे मौसी जी भूल गई हैं हम सबको, बरसों में आज सूरत दिखाई है। हमारी बात छोड़िए बहन, भगवान रखे इनके खेलने खाने के दिन है, इसका आना आसान है। अरे हाँ रेखा तुम्हें बहुत याद करती है। किसी दिन जरूर आऊंगी मौसी। बेटी बातें ही बनाती रहोगी या मौसी की खातिर तवाजा भी करोगी? बैठे रहो बेटी, खातिर तवाजा फिर कभी कर लेना। बेटी ये मेरी बहन है बानो। नमस्ते। 100 बरस जी हो। तुम्हारा नाम क्या है? मीना। माशाल्लाह।
चश्मे पत्तूर। बहन, लड़की हमारी हो गई। क्या है री? तुम मेरा ब्याह कर रही हो? जब लड़का जवान हो जाए तो ब्याह करना ही पड़ता है। मैं नहीं करूंगा। तो क्या ब्रह्मचारी रहेगा? बिल्कुल रहूंगा। जब तक देश स्वतंत्र ना हो जाए, गुलाम संतान पैदा करने से क्या फायदा? फिर कौन जाने कल क्या मुसीबत खड़ी हो जाए, जेल जाना पड़े, फांसी लग जाए। पहले हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, फिर ब्याह शादी। दिलीप, मुझे तेरी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। शादी ब्याह के मामले में बड़ों के बीच नहीं बोलना चाहिए। ब्याह करूंगा भी तो सीता सावित्री के आदर्शों पर चलने वाले हिंदू कुल लल्ला के साथ, जिससे मेरे सब सपने सच्चे हो जाएं। सपने कैसे रे? तुम्हारी बहू बैठकर तुम्हें रामायण का पाठ सुनाए, सूरज निकलने से पहले स्नान करे, देव पूजन करे, गुरु चरणों की वंदना करे, गृहस्थ धर्म का पालन करे। गृहस्थ धर्म का पालन कैसा? जैसे धर्मशास्त्रों में लिखा है, 16 संस्कार, पंच महायज्ञ, तीर्थ, व्रत, उपवास, कथा वार्ता, दान धर्म, यही सब तो हिंदू धर्म है। दिलीप, मुझे मालूम है तू बड़ा पंडित हो गया है, पर देख बेटा, इस तरह के विचार अच्छे नहीं। जब दुनिया नई हो तो ज्ञान भी नया होना चाहिए। ये हजारों साल पुराने आदर्श अब काम नहीं देंगे। क्यों काम नहीं देंगे? क्या खराबी है इनमें? तुझे कोई खराबी दिखाई नहीं देती, सब गुण ही गुण है। याद है, हिंदू धर्म स्त्री को दासी की तरह समझा जाता था। किसी जमाने में मुर्दा पति के साथ जला दिया जाता था और उसे सती धर्म कहा जाता था। जब 8 साल की विधवा का ब्याह पाप समझा जाता था, उस वक्त मर्द 10-10 शादियां करता था। अपनी औरत को भेड़ बकरियों की तरह बाजार में बेच देता था, जुए के दांव पे लगा देता था। तूने हरिश्चंद्र और पांडवराज की कहानियां नहीं पढ़ी? पढ़ी है मां, मगर धर्म बंधन भी तो होते हैं। खाक होते हैं धर्म बंधन। बेटा, आदमी को विचार सुशील होना चाहिए। जीवन ठहरे हुए गंदे पानी का तालाब नहीं जो इसमें गिर गया पड़ा सड़ता रहे। इंसान को अपने जमाने के साथ बदलना चाहिए। तो इतना बड़ा हो गया है पर कुछ नहीं समझता। समझता हूं या नहीं मां, मगर पिछली सभ्यता में पली हुई लड़की से शादी नहीं करूंगा। मैं तो पहले ही कह रही थी बहन, लो भुगतो, वो तुम्हारा लाडला मेरे और तुम्हारे मुंह पे काला कोट के रहेगा। क्या हुआ? क्या रात 2 घंटे लेक्चर देकर गया है, वो शादी से साफ इनकार कर रहा है। बहन, अभी तो वो बच्चा है, उसकी बातों पे मत जाओ। तो क्या जबरदस्ती उसे दूल्हा बना कर ले जाएंगे? बहन, ये तो बताओ, उसने लड़की को देखा है? नहीं तो तू उसे लड़की दिखाओ। हम भी आंखें रखते हैं, सामना होते ही सब भूल जाएगा। ये बात तो ठीक है बानो, मगर लड़की को कैसे दिखाएं? कैसे क्या? माँ, तुम यहाँ बैठी हो और मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। ये आ गई मेरी बेटी, तुम रहने दो, अब मैं सब खुद ही किए लेती हूँ। हाँ हाँ, तुम भी करके देख लो। रेखा बेटी जी, जरा मेरे पास आओ। क्या है मौसी? तुमसे कुछ काम है, सुनो। Mr. Dilip, please come on the stage. और प्रिय मित्रों,
ना मैं कोई नेता हूं ना उपदेशक। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि हम उन पूर्वजों की संतान हैं जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर हिमालय की चोटी तक अपने पांव के निशान छोड़े, अपने खून से इस धरती के चप्पे चप्पे कण कण पर मोहर लगाई। मगर आज आज हम उन पूर्वजों को भूल गए, अपने आप को भूल गए, अपने इतिहास को भूल गए, और यही भूल हमारी गुलामी का कारण है। हमें अपनी भारत माता को इन गुलामी की जंजीरों से आजाद करना। दोस्तों, भारत माता का नाम लेकर एक बार मेरे साथ बोलिए, वंदे मातरम। मैं इसी मजमून पर एक कविता सुनाता हूं। बगावत का खुला पैगाम देता हूं जवानों को, उठो उठकर मिटा दो तुम गुलामी के निशानों को। बगावत का खुला पैगाम देता हूँ जवानों को, अरे उठो उठ कर मिटा दो तुम गुलामी के निशानों को। जय जननी जय भारत माँ, जय जननी जय भारत माँ, जय जननी जय भारत माँ। उठो गंगा की गोदी से, उठो सतलुज के साहिल से, उठो दक्खन के सीने से, उठो बंगाल के दिल से। निकालो अपनी धरती से विदेशी हुक्मरानों को, उठो उठ कर मिटा दो तुम गुलामी के निशानों को। जय जननी जय भारत माँ, जय जननी जय भारत माँ, जय जननी जय भारत माँ। फिजा की कैद से उजड़ा चमन आजाद करना है हमें, अपनी जमीन अपना वतन आजाद करना है। जो गद्दारी सिखाए खींच लो उनकी जबानों को, मिटा दो तुम गुलामी के निशानों को। जय जननी जय भारत माँ, जय जननी जय भारत माँ, जय जननी जय भारत माँ। ये सौदागर जो इस धरती पे कब्जा करके बैठे हैं, हमारे खून से अपने खजाने भर के बैठे हैं। इन्हें कह दो के अब वापस करे सारे खजानों को, उठ कर मिटा दो तुम गुलामी के निशानों को। जय जननी जय भारत माँ, जय जननी जय भारत माँ, जय जननी जय भारत माँ। जो इन खेतों का दाना दुश्मनों के काम आना है, जो इन कानों का सोना अजनबी देशों को जाना है, तो फूको सारी फसलों को, चला दो सारी कानों को, उठ कर मिटा दो तुम गुलामी के निशानों को। जय जननी जय भारत माँ, जय जननी जय भारत माँ, जय जननी जय भारत माँ। बहुत झेली गुलामी की बलाएं अब न झेलेंगे, बहुत झेली गुलामी की बलाएं अब न झेलेंगे। करेंगे फांसियों पर गोलियों से हंस के खेलेंगे, करेंगे फांसियों पर गोलियों से हंस के खेलेंगे। उनकी तोपों के दहनों को, मेरी ये सहेली आपकी बहुत तारीफ कर रही हैं। मेरी या कविता की? दोनों। मैंने पहले कभी नहीं देखा आपको। अब देख लीजिए भाईजान, ये मेरी बहुत पक्की सहेली हैं। अच्छा? ये हमारे घर तो कभी नहीं आई। आपने कभी बुलाया ही नहीं। आप दिल्ली की रहने वाली?
ओहो भाईजान, आपने तो पूरी हिस्ट्री पूछना शुरू कर दी। चलो मीना, हमारे घर कभी आइएगा। सच में भाईजान तो एक नजर में ही पत्थर के हो गए, अभी तक वहीं खड़े हैं। देखा, सच बताओ मेरी नज़्म कैसी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी भाईजान। अरे खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। भाईजान इस वक्त बहुत सख्त नींद आ रही है। अरे बैठ भी जाओ, सो जाना, रात अपनी है। रेखा वो तुम्हारी सहेली काफी समझदार मालूम होती है, कभी तो खूब समझती है। क्या नाम है उसका? कौन सी सहेली भाईजान? अभी कॉलेज में मिली थी, तुमने मेरा परिचय कराया था उसके साथ। कॉलेज में किसी लड़की से मैंने आपको मिलवाया था। उफ़ो, तुम भी क्या हो, इतनी जल्दी भूल गई। देख कॉलेज में तुम्हारे साथ एक लड़की थी ना, चंपाई रंग, छरेरा बदन, बड़ी बड़ी सी आंखें, अरे वो आसमानी रंग की साड़ी पहने हुए थी। तो वाह भाईजान, आपने तो बिल्कुल फोटो खींच के रख दी, मुझे बिल्कुल याद नहीं। देख अभी जलसे के बाद मैं हॉल से बाहर निकला ही था कि तुमने आवाज दी थी। हाँ। तो तुम्हारे साथ एक लड़की थी और तुमने कहा था कि ये मेरी बड़ी पक्की सहेली है। ओ भाईजान हद हो गई, आपको तो एक एक बात याद है और मुझे सचमुच कुछ याद नहीं। शरारत कर रही हो? नहीं भाईजान मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मुझे कुछ याद नहीं। याद नहीं तो भागो यहाँ से। भाईजान भाईजान, स्वीट ड्रीम, उस लड़की का नाम मीना है। हेलो, कौन मीना? मीना तुम आज क्या कर रही हो? कोई खास प्रोग्राम तो नहीं? तो फिर यहाँ आ जाओ ना, खूब बातें करेंगे और साथ खाना खाएंगे। मम्मी से पूछती हूँ। मम्मी कोई मना थोड़ी ही करेंगी, मेरा नाम ले देना। एक मिनट ठहरो। भाईजान क्या आप कहीं बाहर जा रहे हैं? क्यों? ऐसे ही पूछती हूँ। कॉलेज जा रहा हूँ। पूछ तो लिया होता कि वो कॉलेज में पढ़ती भी है या नहीं। क्या मतलब? कुछ नहीं कुछ नहीं, मेरा मतलब है घर पर रहते तो अच्छा। चुप रहो। अरे हंस क्यों रही हो? कोई किसी की तलाश में जा रहा है, रात भर नींद नहीं आई। खैर तुम तो आ रही हो ना? हाँ आ रही हूँ। बाय बाय। भाई साहब किसे ढूंढ रहे हैं? सुदेश चचा वो तुम मिल गए, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे? क्यों? वो रेखा की सहेली है ना, क्या नाम है उसका, वो मीना। मीना वो तुम्हारी क्लास में तो नहीं है? मेरे क्लास में नहीं तो क्यों? वो हमारी पार्टी में शामिल होना चाहती है। कौन है, किस तरह की लड़की है, सोचा तुम्हें से पूछ लूँ। रेखा से पूछ लीजिए ना, मैं पूछ दूँ? नहीं इसमें चोरी क्या बात है, मैं खुद ही पूछ लूंगा। मैंने बहुत रोका मगर वो माने ही नहीं, तुम्हारी तलाश में कॉलेज गए, रात भर सो नहीं सके बेचारे। ये है हमारे भाईजान का कमरा। तुम्हारे भाईजान तो वाकई लीडर मालूम होते हैं। मालूम होते हैं? अरे सर के पांव तक लीडर हैं। तुमने अभी इनकी कविता सुनी है
लेक्चर नहीं सुने, शुरू होते हैं तो सुबह से शाम कर देते हैं। आदमी दिलचस्प है। मन सुना जग सुना, मैं राही अनजाने पथ का। देखा कैसी प्यारी प्यारी नज़में लिखी हैं। ऐसे ही मत समझना हमारे भाईजान को, वो बिल्कुल प्यार के लायक हैं। वो तुम्हारे भाईजान जो हुए? हमारे भाईजान कुछ तुम्हारे भी तो हैं। रेखा नेहा बेटे तुम पढ़ो, मैं भी आई। तेरे मंदिर का मैं पुजारी, देखा मुझे अपनी सहेली से फिर मिलो, वो मुझे बहुत पसंद आई है, समझदार लड़की है, आदर्श स्त्री बनने के सब। हाँ रेखा को बुलाओ, रेखा भी आ जाएगी, आप बैठिए ना, बैठिए ना। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना चाहते थे ना जी? हाँ मैं वो आपने ये पढ़ी? कभी कभी देखता हूँ, कभी तो नहीं हूँ, बस यूं ही जोड़ तोड़ कर लेता हूँ। बहुत अच्छी है। आपको पसंद आई? बहुत। रात भी मैंने एक नज़म लिखी है, आप सुनिए। जरूर। नाम है तुम्हारी आंखें। भूल सकता है भला कौन यारी आंखें, रंग में डूबी हुई नींद से भारी आंखें। भूल सकता मेरी हर सांस ने हर सोच ने चाहा है तुम्हें, जब से देखा है तुम्हें तब से सराहा है तुम्हें, बस गई है मेरी आँखों में तुम्हारी आँखें, रंग में डूबी हुई नींद से भारी आँखें। भूल सकता है भला कौन, तुम जो नजरों को उठाओ तो सितारे झुक जाएं, तुम जो पलकों को झुकाओ तो जमाने रुक जाएं, क्यों ना बन जाएं इन आँखों की पुजारी आँखें, रंग में डूबी हुई नींद से भारी आँखें। भूल सकता है भला कौन, जागती रात को सपनों का खजाना मिल जाए, तुम जो मिल जाओ तो जीने का बहाना मिल जाए, अपनी किस्मत पे करें नाज हमारी आँखें। भूल सकता है भला कौन ये प्यारी आँखें, रंग में डूबी हुई नींद से भारी आँखें।
कुछ नहीं माँ। माँ भाईजान देश की संस्कृति पर बातें कर रहे थे। अच्छा माँ देखो ये बहुत बदतमीज हो गई है, मार खाएगी मुझे। बड़ा शरारती हो गया है। मीना तू बानू मासी के पास नहीं गई? अभी जाती हूँ। अच्छा लो साहब, गांधी जना मुलाकात फिर नाकाम रही। अब क्या होगा? होगा क्या, जब तक लीडर लोग दूसरी बार मिलेंगे दो चार जगह हिंदू मुस्लिम फसाद होगा, कुछ लोग इधर मरेंगे कुछ उधर। इलाही खैर। इसी दुरंगी को देखते हुए मुझे कभी कभी दुनिया के सारे फलसफे, तमाम मजहबी और सियासी अकीदे बेकार और बेमानी नजर आने लगते हैं। अब ये बहस न कीजिए। अच्छा भाई नहीं करते, चले जाते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मौसी जी नमस्ते। जीते रहो मेरे चांद। आओ बेटी आओ बैठो, वहां नहीं मेरे पास बैठो मेरी बेटी मेरे पास। दिलीप से मिली मैंने इसलिए पूछा बेटी, वो जलूल लड़का है, शायद तुम पसंद ना आए। बेटी हाथ लाओ। ये क्या मौसी? पहली बार माँ के घर आई हो, क्या खाली हाथ जाने दूंगी? दिलीप जैसा सावित्री का बेटा है वैसा ही मेरा है। फिर कब मुलाकात होगी? दिलीप यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ, वैसे ही खड़ा हूँ। अच्छा मौसी जी अब मैं चलूँ। ठहरो बेटी मैं तुम्हारी सवारी मंगा लेती हूँ। माँ भाईजान जो है ये छोड़ाएंगे? रहने दे, इसे अपनी पार्टी पार्टी का काम होगा। नहीं माँ पार्टी का कोई काम नहीं, होगा भी तो बाद में कर लूंगा। अच्छा जा। अच्छा मौसी जी नमस्ते, जीती रहो। अरे कुछ गर्म कपड़ा तो पहन जा, जरा इसका कोट ला दे। कुछ बात कीजिए। क्या बात करूं? कुछ भी। चलते समय तो बहुत कुछ कहने की सोच रहा था, आप कुछ याद ही नहीं आ रहा, आप ही कुछ कहिए। मौसम बहुत खूबसूरत है। हमारे यहाँ तो मौसम सदा खूबसूरत ही रहता है, ये बात तो उस देश के लोग कहते हैं जहाँ मौसम कभी कभी अच्छा रहता है, जैसे विलायत वाले। लड़की का क्या होगा, किसी लड़की को पसंद ही नहीं करता था। चलिए देर आया दुरुस्त आया, अब सब काम ठीक हो गया। अल्लाह ने आपकी बात सुन ली। तुम तो जबानी बात करती थी, हमने तरकीब बताई तो एकदम रापे आ गया। लड़का लड़की आपस में मिले साथ बैठे तो बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ भाई ये गुर तुमसे ज्यादा और कौन समझ सकता है, क्यों भाई जान?
आप भी खूब मजाक करती हैं भाभी जान। हाँ करने दो मजाक, इनका जमाना है। भाभी जान, बानो की एक ख्वाहिश है। कहो, वो भी पूरी हो जाएगी। इनकी आरजू है कि दलीप की बारात इसी घर से जाए और दुल्हन की डोली भी यहीं उतरे। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली भाई जान। मैं खुद सोच रही थी कि इतने मेहमान कहाँ उतारूंगी, कहाँ बिठाऊंगी। ये बहुत अच्छा होगा, सब काम इसी घर में हो जाएगा। ठीक है ना बानो? हाँ बहन। नहीं। क्यों? आज जमाना बदल गया है सावित्री, और जमाने के साथ साथ दिल्ली और दिल्ली वाले भी बदल गए हैं। वो दिन और थे जब दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वाले ही रहते थे, आज इसकी गलियों में हिंदू और मुसलमान रहते हैं। वो लोग उठ गए जावेद जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे बुलंद किया करते थे। आज इस बस्ती की गली कूचों में हिंदी हिंदू हिंदुस्तान और लेके रहेंगे पाकिस्तान के नारे सुनाई देते हैं। मुल्क या वतन जुग्राफिया की लकीरों का नाम नहीं, सियासी हदबंदियों का नाम नहीं, ये एक जज्बे का नाम है, एक एहसास का नाम है, एक तसव्वुर का नाम है। यही वजह है कि एक इंसान जमीन के एक टुकड़े से मोहब्बत करता है और दूसरा नफरत। मशरिक से लेके मगरिब तक, शमाल से लेके जनूब तक, ये जमीन ये धरती भगवान की बनाई हुई है, इंसान की बनाई हुई नहीं। मगर हम इंसान जमीन के एक हिस्से को रूस कहते हैं तो दूसरे को फ्रांस, एक को ईरान कहते हैं तो दूसरे को यूनान। जमीन को अलग अलग हिस्सों में बांटकर ये अलग अलग नाम भगवान के दिए हुए नहीं, इंसान के दिए हुए हैं। और यह अदल बदल हमेशा जारी रहे। जिंदगी किसी ठहरी हुई चीज का नाम नहीं, किसी पत्थर या पहाड़ का नाम नहीं। यह एक पुरुषोर नदी है, एक तेज बहती हुई धारा है। यह जिधर से गुजरती है जमीन को काटकर अपना रास्ता बना लेती है। अगर कोई चीज इसके रास्ते में रुकावट बनकर आती है तो उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देती है। जो चीज आज नई है कल वही पुरानी हो जाती है। यही वजह है नए नए मजहब आते रहते हैं, इंसानों की सूरत बदलती रहती है, कौमों की सूरत बदलती रहती है, मुल्कों की सूरत बदलती रहती है। अगर आज वही सूरत बदल रही है तो हमें क्या एतराज है? जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों को अलग अलग नाम देने से कल हमको एतराज नहीं था तो आज क्यों है? कुछ मुसलमान जो कल सारे हिंदुस्तान से मोहब्बत करते थे, अगर वो आज एक हिस्से को मोहब्बत करते हैं तो करने दो। अगर उनकी मोहब्बत सिमट कर छोटी हो गई है तो हो जाने दो। बंटवारा सगे भाइयों में भी होता है, अगर वो हमसे अलग रहना चाहते हैं तो रहने दो। शायद ये बदलते ही कदरों का तकाजा है, शायद ये तारीख के हेर फेर का तकाजा है, शायद ये जिंदगी की साइश और नदी की कोबत का तकाजा है। अगर वो देश को दो हिस्सों में बांट देना चाहते हैं तो बांट दिया जाए, बांट दिया जाए। हरगिज़ नहीं बांटना चाहिए। किसकी हिम्मत है जो इस देश का बंटवारा कर देगा? भारत हिंदुओं का है। अगर मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते तो जाएं, कहीं भी जाएं। अगर वो खुद नहीं जाएंगे तो हम उन्हें जाने पर मजबूर कर देंगे। ये धरती उनके पाल तरह इतनी गर्म हो जाएगी उन्हें सांस लेना दुभर हो जाएगा। न्यू डिक्टेटर इज बोर्न। अवश्य पैदा हुआ वो दे राम राजकांत, यही होता है। भाईजान, आप सचमुच गलत बात करते हैं। भारत उन सबका वतन है जो इसे अपना समझते हैं। इसके अलावा सवाल देश के बंटवारे का नहीं, आजादी का है। इस बरसों की गुलामी को खत्म करने का सवाल है। अगर हम अंग्रेज से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो हमें आपस का झगड़ा खत्म करने ही पड़ेंगे। और ये झगड़े तुम देश का बंटवारा करके खत्म करोगे? अगर दुश्मन से इस तरह नजात मिलती है तो जरूर करेंगे। सदियों की गुलामी तो खत्म होगी। इस देश का सत्यानाश तुम लोगों और तुम्हारे विचारों ने किया है। मुसलमानों ने जो मांगा देते चले गए। तुम ना होते, मुसलमानों की इतनी हिम्मत ना होती आज वो हमारा सामना करते। और अगर आप ना होते आज मुसलमान अलग मुल्क मानता। ये पाकिस्तान का ख्याल उसके दिल में आप जैसे हिंदुओं ने पैदा किया। आपने मुसलमान को अछूत बना दिया, उसे कभी अपना नहीं समझा। अवश्य नहीं समझा। वो सदा हिंदू और हिंदू धर्म के खिलाफ काम करता रहा। उसने इस्लाम को तलवार की जोर से फैलाया। ये बकवास है, अंग्रेजों का प्रोपेगेंडा है। ये झूठी कहानियां डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को चलाने के लिए घड़ी गई। ये वैसे भी समझ में आने वाली बात नहीं है भाईजान। मुसलमानों ने कई सौ बरस हुकूमत की है। अगर तलवार के जोर से इस्लाम फैलाते तो आज एक भी हिंदू बाकी न रहता। तुम इतिहास नहीं जानते। उसने हजारों मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनवाई मगर उसका बस नहीं चला। हिंदू धर्म इतना बलवान है वो उसे मिटा नहीं सका। आप क्या हर वक्त धर्म धर्म करते रहते हैं?
धर्म के नाम पे दुनिया में कितने खून खराबे हुए, क्रूसेज लगी, हजारों लाखों इंसान बेगुनाह मारे गए, फिर भी आपका पेट नहीं भरा। धर्म आज एक रेख नहीं, ताकत है, धर्म बकवास है। धर्म के खिलाफ कुछ कहा तो तेरा खून कर दूंगा। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तुम तीनों ने तो घर को अखाड़ा बना दिया है। सुन दिलीप, मैं तेरे ही पास आई हूँ। क्या है माँ? बता कब की तारीख पक्की करो, लड़की वाले शादी के लिए जोर दे रहे हैं। शादी? माँ देखती नहीं बाहर क्या हाहाकार मची है, देश के टुकड़े किए जा रहे हैं, जिंदगी और मौत की बाजी लगी है, अब तुम्हें शादी की पड़ी है। जब तक इस देश के भाग्य का फैसला नहीं हो जाएगा मैं शादी नहीं करूंगा। देखना है कि सियासत के खुदावंदों से जख्म मिलते हैं कि फूलों की हवा मिलती है। सांस रोके हुए तकती है वतन की धरती, आग बुझती है कि शोलों को हवा मिलती है। ये शमे बुझा दो, ये चिराग दूर कर दो। आज इंसान मर गया, ये नकली रोशनी बेकार है, आज भर थोड़ा अंधेरा है। हिंदुस्तान के टुकड़े हो गए। इस अंधेरे में आग के शोलों और फसाद के नारों के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता। आजादी की वो जंग जो इंकलाब जिंदाबाद और हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नाम से शुरू हुई थी, हिंदुस्तान के बंटवारे पर आकर खत्म हुई। और इस बंटवारे का नतीजा वो था जो इंसानियत की तारीख ने न पहले कभी सुना और न पहले कभी देखा। भाई भाई की जान का दुश्मन हो गया, धरती खून से लाल हो गई, आग कहीं लगी, घर किसी का जला, जुल्म किसी ने किया और सजा किसी को मिली। हम अपने भाइयों के खून की कसम खाते हैं, अपनी बहु बेटियों की लाज और उनके सुहाग की सौगंध खाते हैं कि हम ईंट का जवाब ईंट और पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। अगर उधर रावी और चिनाब फट पड़े हैं, उनका मुंह लाशों से भर गया है, तो इधर गंगा और जमुना के बंध टूट जाएंगे। बोलो नारे बजरंग बले। कौन जावेद? हाय इनके पास रहो। तुम लोग यहीं ठहरो। पिताजी अंदर कौन? मेरा मरीज। मैं इस मरीज को घर में रखने के खिलाफ। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। डॉक्टर मरीज का मजहब नहीं देखता, उसकी बीमारी देखता है। बीमारी के बहाने आप हमारे दुश्मन को घर में छुपा रहे हैं। तुम्हारा दुश्मन? किस तरह? वो मेरी सभ्यता संस्कृति और कल्चर का दुश्मन है। तुम्हारा कल्चर क्या है? मेरा कल्चर? क्या आप हिंदू कल्चर नहीं जानते? मैं तुमसे पूछता हूँ। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। तुम जाहिल हो, तुम कल्चर का मतलब नहीं समझते। किसी खास तरीके से खाना पकाने, पूजा पाठ करने या गंगा में स्नान करने का नाम कल्चर नहीं, रूहानी तरक्की का नाम कल्चर है।
आत्मा का परमात्मा को पहचानने का नाम कल्चर है, अच्छाई और खूबसूरती की तलाश का नाम कल्चर है। मैं सबक सीखने नहीं आया पिताजी, सिर्फ इतना जानता हूँ जिस आदमी को आपने अंदर छुपाया वो मेरा दुश्मन है। जिसे तुम दुश्मन समझते हो जरूरी नहीं मैं भी उसे समझूं। इसका मतलब ये मेरी इस घर में कोई हैसियत नहीं? मैं तुम्हारी बात का ये मतलब निकालूं तुम अपने को अपने बाप से बड़ा समझते हो? ये तो मैंने नहीं कहा। फिर क्या कहा तुमने? इसके सिवा तुम्हारी बात का और क्या मतलब हो सकता है? मैं डॉक्टर हूं, मरीजों की जिंदगी बचाना मेरा फर्ज। मैं इस घर का मालिक हूं, इसे दिन रात मेहनत करके मैंने बनाया। मैं तुम्हारा बुजुर्ग, पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया है, ये सब जानते हुए भी तुम मुझसे बेहूदा सवाल करते हो, इसके क्या मायने? इसके ये मायने पिताजी, जो आपका ये मरीज घर में रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा। तुम्हें मेरे मरीजों को देखकर तकलीफ होती है तो जा सकते हो, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। माँ, जब ये तुम्हारे पिता नहीं तो फिर मैं तुम्हारी माँ कैसे हो सकती हूँ? दलीप, दलीप, दलीप बेटा। क्यों आने दिया यहां तक? दोस्तों, अब वक्त आ गया है, आजादी अपना अधिकार मांग रही है, हमारे खून की भेंट और आहुति मांग रही है, हमारा मोह प्यार मोहब्बत घर बार हर चीज का बलिदान मांग रही है। हमने सौगंध खाई थी कि हम इस देवी पर अपना सब कुछ अर्पण कर देंगे, आज वो दिन आ गया है। मैं अखंड भारत की सौगंध खाकर कहता हूं कि इसके ध्येय की पूर्ति के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बोलो नारा बजरंग बली, बजरंग बली। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या हुआ जुमन? दिलीप में हवेली को आग लगाने आ रहे हैं। कहाँ लोग हैं? हवेली में। तुम लोग सब यहाँ ठहरो, मैं भी आता हूँ। पिताजी, आप यहाँ क्या करने आए? बाप होकर मैंने नहीं पूछा तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम क्यों जवाब तलब करते हो? पिताजी, आप समय को क्यों नहीं समझते? समय को समझता हूँ या नहीं दिलीप, मैं तुझे जरूर समझ गया हूँ। तुझ पर शैतान सवार है। बेटे के पाप में कुछ हिस्सा माँ बाप का भी होता है, मैं और सावित्री उसी का प्रायश्चित करने आए। माँ, तुम ही समझाओ पिताजी को। खबरदार जो मुझे माँ कहा, दूर हो जा घर में मेरे सामने से। मैं आखिरी बार कहता हूं, आप यहां से चले जाइए। ईमान, तेरी ये हिम्मत हो गई हमें हुक्म देता है? जिन हाथों से मैंने तुझे छाती से लगाकर पाला था, आज उन्हीं हाथों से मैं तुझे कफन पहनाऊंगा। भाईजान, भाईजान, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। दिलीप इस घर को आग लगाना चाहता है, लगाने दीजिए। मेरे खून से हाथ रंगना चाहता है, रंगने दीजिए। आज इसके काम अपने नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? आखिर ये हमारा है। नहीं बहन, ये हमारा नहीं हो सकता। दिलीप, तेरे सर पे खून ही सवार है, तो ले मुझे मार, निकाल अपने अरमान, कर दे मेरे टुकड़े। मैं तेरे सामने खड़ी हूं। तुम जानती हो मां, भगवान के बाद मैं सिर्फ तुम्हें मानता हूं, तुम्हारी पूजा करता हूं, लेकिन अगर सच्चाई के रास्ते से तुमने भी मुझे हटाया तो मैं तुम्हारी भी परवाह नहीं करूंगा। धर्म के रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे जबरदस्ती रास्ते से हटा दूंगा। अगर जब धर्म का नाम लिया, अधर्मी तू क्या जाने धर्म क्या होता है? धर्म के नाम पर मार काट और खून खराबा इसीलिए होता है कि धर्म को मानने वाले ऐसे लोग पैदा हो गए जैसे तू है। तूने धर्म को एक दहकती हुई भट्टी और तपता हुआ लोहा बना दिया है, जिसे तेरे सिवा जो भी हाथ लगाएगा जलकर राख हो जाएगा। आज मैंने तुझे पहचान लिया है। हमारे बेटे के रूप में तू वो बुराई है जो सदियों से इस धरती पर जन्म ले रही है और जो भेद बदल बदल कर हर मुल्क और हर कौम में चली जाती है। पिताजी, तूने राम को वनवास दिलाया था,
सीता को घर से निकलवाया था। दुर्योधन के रूप में तूने कृष्ण और अर्जुन से महाभारत लड़वाई थी, तूने ईसा को सलीब पर चढ़वाया था, पिताजी इब्राहिम को आग में तूने डलवाया था, मोहम्मद को मक्के से तूने निकलवाया था। तू हर अच्छाई का दुश्मन है, तू वो है जो मजहबों की सूरत बिगाड़ देता है। आज तू हमारे बेटे के रूप में आया, तुझे मैं अपने हाथ से गोली मारूंगा। मैं आपका ऐसा नहीं करने दूंगी, मैं जानू ये जाने आप मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगा। खबरदार दो मुझे बच्चा कहा, मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। पिताजी मैं पूछता हूँ, आप इस औरत के लिए मुझे क्यों दलील कर रहे हैं? आखिर ये आपकी कौन लगती है? हमारी नहीं हत्या है, ये तेरी लगती है। तेरी खुशी के लिए ये अपनी जान देने को तैयार है, क्यों? आखिर क्यों? इसीलिए ना कि मानो तुम चाहती हो ना कि दिलीप अपने अरमान पूरी करे, तुम्हारी ख्वाहिश मैं पूरी करता हूँ। ये बंदूक किसी को दिए देता हूँ, ले मार दो। मार मार क्या है? देखता क्या है? मार, ये तेरी मार। मां सुलगती छाती के बेचैन शरारे पूछते हैं, तुम लोग जिन्हें अपना न सके वो खून के धारे पूछते हैं। किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा, ए रहबर मुल्को कौम बता, ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा। चलते हुए घर किसके हैं, ये कटते हुए तन किसके हैं, तकसीम के अंधे तूफान में लुटते हुए गुलशन किसके हैं, बदबख्त फिजाएं किसकी हैं, बदबख्त फिजाएं किसकी हैं, बर्बाद नशे मन किसके हैं। कुछ हम भी सुने हमको भी सुना, कुछ हम भी सुने हमको भी सुना, रहबर मुल्को कौम बता, ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा। काम के हैं ये दीन धर्म जो शर्म के दामन चाक करें, किस तरह के हैं ये देश भगत जो बसते घरों को खाक करें, ये रूहें कैसी रूहें हैं, ये रूहें कैसी रूहें हैं जो धरती को नापाक करें। आंखें तो उठा नजरें तो मिला, आंखें तो उठा नजरें तो मिला, रहबर मुल्को कौम बता, ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा। जिस राम के नाम पे खून बहे उस राम की इज्जत क्या होगी, जिस दीन के हाथों लाज लुटे उस दीन की कीमत क्या होगी, इंसान की इस जिल्लत से परे, इंसान की इस जिल्लत से परे शैतान की जिल्लत क्या होगी। ये वेद हटा कुरान उठा,
रहबर मुल्क को काम बताए किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा। मैं क्यों जिंदा हूं, किस लिए जिंदा हूं? अच्छा होता जो आप मुझे मार डालते, ये बताकर जो मैं कल था वो आज नहीं। आपने मेरी कल्पना का महल गिरा दिया, मेरे पांव तले से वो धरती खींच ली जिस पर मैं इतने साल से खड़ा था। आज मैं एक दोराहे पर खड़ा हूं और एक एक से पूछता हूं, क्या तुम हिंदू सिर्फ इसलिए हो कि हिंदू घराने में पैदा हुए हो? क्या तुम मुसलमान सिर्फ इसलिए हो कि तुम्हारे बाप का नाम फतेह चंद नहीं फतेह मोहम्मद? क्या धर्म अंदर से पैदा नहीं होता, बाहर से आता? क्या धर्म एक रेत की ढेरी जो तेज हवा के एक ही झोंके में उड़ जाती है, एक कच्चा धागा जो फूंक मारने से टूट जाता है? नहीं दिलीप, धर्म न रेत की ढेरी है न कच्चा धागा, ये एक विश्वास है जो आदमी को इंसान बनाता है। इंसान नहीं बनाता, इंसान को इंसान से लड़ाता। वही हिंदू कल मैं जिनका नेता था आज मेरे दुश्मन। क्यों? सिर्फ इसलिए ना कि आज मैं हिंदू नहीं मुसलमान हूं। हिंदू धर्म ने मुझे त्याग दिया, इस्लाम को मैं जानता नहीं। क्या मेरे जीने का और कोई कारण है? क्या इंसान बिना सहारों के जिंदा रह सकता है? ऐसा ना कहो दिलीप, तुम्हारे सभी सहारे उसी तरह मौजूद थे। तुम कल भी हमारे थे और आज भी हमारे हो बेटा। आज मैं ना किसी का बेटा हूं ना कोई मेरी मां, आज मैं अनाथ हूं, यतीम हूं, आज मैं बेवतन हूं, बेमुल्क। किसी धरती से मेरा कोई नाता नहीं, आज न मेरी कोई जननी है न जन्मभूमि। दिलीप ऐसा न कहो बेटे, ऐसा न कहो। मेरी दुनिया तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म हो जाती है। 20 साल से मैं सिर्फ इसलिए जिंदा थी कि तुम जिंदा हो, और आज भी मेरी यही ख्वाहिश है कि तुम खुश रहो, जिंदा रहो। मगर मैं जिंदा कैसे रह सकता हूं? इंसान जिंदा रहता है अपनी भावनाओं और कल्पनाओं के सहारे, और आज मेरा नाम, मेरा घर, मेरा धर्म, मेरा विश्वास, हर चीज जल गई है। वो आग जो मैंने अपने हाथों से लगाई थी वो आज मुझे जला डालेगी। वो लोग जिनसे मैंने कहा था कि मुसलमानों को मार डालो, वो आज मुझे मार डालेंगे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दिलीप मुसलमानों का पितृ है। उसने हमारी स्कीम को सैबोटेज किया है, उसने हमें धोखा दिया है। हम इस अत्याचार का बदला लेंगे, हम उसे मार डालेंगे। तुम मुझे मारने आए? जरूर मार। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मेरे जीते जी तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान दे दूंगी। अपने कर्मों का फल मैं दूसरों को नहीं भोगने दूंगा, जो मैंने किया उसे खुद भरूंगा। मगर पाप हमने किया है, फल तुम क्यों भोगो? अगर मर नहीं है तो हम जाते। हर किसने? ये नफरत का मजहब मैंने फैलाया, मैं ही इसका शिकार बनूंगा। जो नारे कल मैंने लगाए थे आज वही नारे मुझे बुला रहे हैं। मैं इनका जवाब जरूर दूंगा, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों को क्या चाहिए? मैं यहाँ हूँ। मरो।
तुम्हारे और अपने पाप का प्रायश्चित मैं अकेला करने को तैयार हूं। वो ज्वाला जो तुमने और मैंने मिलकर भड़काई है उसकी आहुति मैं अकेला बनने को तैयार हूं। तुमने और मैंने जो नफरत का बीज बोया है उसका फल मैं अकेला खाने को तैयार हूं। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, हड्डियां उड़ा दो मेरी, मारो। तुमने मुझे खामखा बचा जो तुम मुझे समझती थी या जो मैं अपने आप को समझता था मैं वो नहीं हूं। आज मेरा कोई नाम नहीं। दिलीप, तुम्हारे नाम से नहीं, मैंने तुमसे प्यार किया था। तुम जो भी हो मेरे हो। मीना, तुम मेरे साथ हो? तब नहीं थी। मीना, मीना, हम दोनों मिलकर एक नया संसार बसाएंगे जहां धर्म और मजहब की कोई कीमत नहीं होगी, जहां जहां सिर्फ इंसानियत महान होगी। और जिस देश में इंसानियत जिंदा नहीं रह सकती हम वहां से चले जाएंगे। यहां से कोई नहीं जाएगा और ना ही किसी को जाने के लिए मजबूर किया जाएगा। ये धरती उन सब की मातृभूमि है जो इसे अपनी मां समझते हैं। मजहब के नाम पर जो कुछ हुआ और हो रहा है वो हमारे लिए शर्म की बात है। कोई धर्म इंसान को इंसान से नफरत करना नहीं सिखाता। जिसने यह कलंक हमारे माथे पर लगाया वो कोई मजहब या धर्म नहीं बल्कि धर्म का मजाक उड़ाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इसकी सूरत बिगाड़ दी। बंटवारा तो सगे भाइयों में भी होता है मगर तलवार मारकर खून से खून अलग नहीं किया जा सकता। हम सब एक मां की औलाद है और वो मां है हमारी जन्मभूमि, हमारी मादरे वतन। आज से इस जन्मभूमि का मजहब सिर्फ इंसानियत होगा, इस मादरे वतन का मजहब सिर्फ प्यार और मोहब्बत होगा। हिंदू और मुसलमान इस तहजीबी रिश्ते की दो कड़ियां हैं और यह अजीम रिश्ता इन दोनों के दरमियान एक पुल है। यह सब कुछ जल जाने के बाद भी यह पुल कायम है और रहती दुनिया तक कायम रहेगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा।